सब आजकल महिलाओं में बहुत सारी दिक्कतें देखने में आती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बेलेंस रहते हैं, क्या उस पे भी हमारा नेक्टर काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्टर का बहुत जबरदस्त रोल है जी। आजकल महिलाओं में ये एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। पीसीओडी, थायराइड हो गया, या हार्मोनल इम्बेलेंस जो होता है, इसके पीछे का कारण है स्लो मेटर। आपने देखा है कि लड़कियां अपने आप को पतला रखने के चक्कर में, फिट मतलब शेप अप करने के चक्कर में भोजन कम खाती हैं या गलत भोजन खाती हैं। हम सब जानते हैं कि जो भी हम भोजन करेंगे उसी का रस बनना है, जी उसी रस से रक्त बनना है, मांस बनना है, मेद बनना है, अस्थि बननी है, बोन मैरो बनना है, और बोन मैरो से ही एग बनते हैं औरतों। जी वो एग जब मेच्योर होते हैं तो रप्चर होता है, तो पीरियड्स आते हैं। जी ये एक साइकिल है। अब ये सारे जो साइकिल के लिए न्यूट्रिशन फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। जी अगर हम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं या टॉक्सिक फूड ज्यादा खा रहे हैं जी तो हमारी जो एंड तक जो एग बनता है वो मेच्योर नहीं होता। जब एग मेच्योर नहीं होता, ठीक है, तो ओवरीज उसको छोड़ती नहीं है। जी जब तक वो बच्चेदानी में आकर रप्चर ना हो तो पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, जी तो बच्चेदानी की डिमांड दोबारा ओवरीज पर आती है। तो वो उसकी वजह से पहला एग अभी मेच्योर नहीं हुआ, दूसरा एग बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहां पे एक मल्टीपल इमेच्योर एग्स का गुच्छा बढ़ना शुरू हो जाता है। वही पीसीओडी का एक बहुत बड़ा कारण है। जी और उसी वही रसौली जब वहां पे बढ़ जाती है, सिस्ट बन जाती है, किसी की खून वाली बन जाती है, किसी की पानी वाली बन जाती है, जी उसी का फ्यूचर में जाकर किसी बड़ी बीमारी के बनने का कारण बन जाता है, जी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस का कारण भी वही पर होता है। जी तो इस सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे है। जो हमारे डाइजेशन सिस्टम की इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड और रॉन्ग फूड इज बीइंग टेकन, तो वहां पर हम तीन सहायता लेते हैं। एक तो मिथ्या, देखो आयुर्वेद का पूरा एक आज की इंसानियत को एक वार्निंग है कि अपना जो मिथ्या आहार विहार है इसको ठीक करें। जी सबसे पहले तो हमें भोजन ठीक करें। जी भोजन में सबसे जरूरी ठीक करने वाली क्या चीजें हैं? नेचुरल फूड में आ जाओ, जी जंक फूड छोड़ दो, जी प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दो, जी चॉकलेट छोड़ दो, केक छोड़ दो, पेस्ट्रीज छोड़ दो, जी भुजिया छोड़ दो, जी ठीक है, पिज्जा बर्गर ब्रेड ये चीजें छोड़ दो। जी आप दूध घी, घी तो खाने छोड़ दिया, देसी घी खाना छोड़ दिया, आजकल डॉक्टर्स बहुत रिफाइंड ऑयल्स चल रहे हैं, नहीं खा रहे रिफाइंड ऑयल्स में टॉक्सिक मटेरियल साथ में आ रहा है जी जिसकी वजह से फैटी लिवर साथ में हो जाता है। जी जब फैटी लिवर होता है तो एसिड बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बिगड़ा हुआ एसिड हमारा रस खराब करता है, जब रस खराब होगा तो अंत तक जाते जाते इमेच्योर एग बनते हैं और वहां से ही ये उल्टा साइकिल शुरू हो जाता है और ये डिजीज बन जाती है। जी तो पहले अपना मिथ्या आहार विहार ठीक करिए, जी साथ में नेक्टर और फ्रूक्टा दो हमारे प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करिए, जी और एक्टिविटी का भी बड़ा रोल है सर्कुलेशन के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी चाहिए। तो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है हमारी बच्चियों का, तो मेरी आप सबसे, आपके जरिए मैं सब बच्चियों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी ठीक करिए, जी साथ में नेक्टर का इस्तेमाल करिए जी और आयुर्वेद की सपोर्ट लेके ऐसी बीमारियों से परमानेंट बाहर आइए। जी मॉडर्न मेडिसिन इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते रहते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक नहीं होती। जी तो दोबारा कहूंगा, नेक्टर से आयुर्वेद की सपोर्ट लेके अपना आहार विहार ठीक करके और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के करके ये वाली बीमारियां परमानेंट ठीक की जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं में बच्चेदानी में रसौलियां होती हैं, लिकोरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके क्या कारण है और उसमें ट्रू नेक्टर का क्या रोल है? देखिए, ट्रू नेक्टर का बहुत जबरदस्त रोल है ये बीमारी को खत्म करके जो फीमेल हेल्थ है, रिप्रोडक्शन हेल्थ है, उसको री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर डॉक्टर्स के पास जब जाती हैं हमारी महिलाएं तो लुकोरिया की वजह से या फाइब्रॉइड की वजह से उनको सर्जरी सब फेस करनी पड़ती है। तो हमारा ये मानना है कि अगर इन बीमारियों का कारण समझ लिया जाए जी और कारण का निवारण कर दिया जाए आयुर्वेद और नेक्टर की सहायता से, तो हम सर्जरी से भी बच सकते हैं और इन बीमारियों से बाहर भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो इन बीमारी को बढ़ने ही क्यों देना, जी जी हम तो हर महिला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बीमारियों को बनने मत दो, जी आप ट्रू नेटवर्क को अपने जीवन का हिस्सा बनो। जी पर लोग हमारे पास जब आते हैं तब वो बीमारियां लेके आते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं जी
उन सबका अपना अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम, एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जी। ऐसे ही जो बच्चेदानी है, जो रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है जी। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जब ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से या क्लॉग हो जाता है किसी वजह से, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी जो है वो वजाइना के जरिए बाहर निकालना शुरू कर देती है, जिसको लिगोरिया बोल दिया जाता है जी। और अगर हम लिगोरिया का इलाज कर दें या उसको बंद कर दें किसी वजह से, तो वही जो टॉक्सिक मटेरियल है वो शरीर में रुकना शुरू हो जाएगा। वो कहां रुकेगा? रिप्रोडक्शन ऑर्गन में रुकेगा, वहां पर वो फाइब्रॉइड बनाएगा, रसौलियां बनाएगा जी। तो इसका सही इलाज यही है कि किसी तरह से कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिले जो उस रिप्रोडक्शन ऑर्गन को, ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा एक्टिव करके बॉडी से टॉक्सिन निकालने के काबिल जी। तो एग्जैक्टली यही काम हमारा ट्रू नेक्टर करता है। ट्रू नेक्टर लेने से जो बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है, जो बॉडी का टॉक्सिक निकालने वाला सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है। जब डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रिशन स्टेटस सेलुलर लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाता है जी, तो ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं परमानेंटली। इसमें नेक्टर के साथ साथ हमें आयुर्वेद की जो टॉनिफाइंग फीमेल हेल्थ की हर्ब्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए जी। ट्रू ग्रोसरी के पास भी एक वुमन केयर का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है।